टर्पेंटाइल ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, ट्यूब है उससे ऑयल फ्लो हो रहा है टर्पेंटाइल, लेंथ एल, रेडियस आर है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू इंड का, प्रेशर का डिफरेंस है दोनों इंड के बीच का, फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, तो हमको डायमेंशनल फार्मूला ईटा का निकालना है। वैसे भी यार ईटा का डायमेंशनल फार्मूला जो है देखो, अगर इस एक्सप्रेशन से दिया हुआ है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस है, तो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो ईटा पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वी एल। अब देखो डायमेंशनली आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हुआ है, तो अगर एक्स लेंथ है तो आर भी, आर रेडियस है तो एक्स भी लेंथ ही होगा, तो डायमेंशनली देखोगे तो फोर को भूल जाओ, और ये डायमेंशनली लेंथ का, ठीक है, ये अब डायमेंशनली जो है वो लेंथ लेंथ होगा, प्रेशर का रख दो, प्रेशर का होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और इसका डायमेंशनली एल स्क्वायर हो जाएगा, और वी और एल, ठीक है, तो कुल मिला के डायमेंशनल फार्मूला रख दो, ये डायमेंशनली सब्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, एम एल टी माइनस टू, और ये लेंथ का एल स्क्वायर दैट इज एरिया एल स्क्वायर, ठीक है, एरिया एल का स्क्वायर, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और दैट इज एल, तो एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को, एक एल ने एक एल को, ठीक है, तो यह आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन। वैसे भी ईटा यार, ईटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, न्यूटन का जो फोर्स इज इक्वल टू होता है विस्कस फोर्स सिक्स पाई ईटा आर बी, कई जगह ईटा आता है, तो आपको जहाँ से आसानी हो वहाँ से निकाल सकते हो।